ये जो देख रहे हैं ना, ये है लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, आज इसी की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है AGBG यानी कि ऑटोमोबाइल ज्ञान बाय गगन के आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल के बारे में। अगर आप लोगों ने पहले मेरी ओपन डिफरेंशियल, क्लोज डिफरेंशियल, MLD वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में लिंक कर दूंगा, पहले जाइए वो देखिए, उसके बाद ये लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल वाली वीडियो देखना, वरना आपको इतना प्रॉपरली समझ नहीं आएगी। लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है पढ़ने में, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाओगे या एक बार उसे देख लोगे इन हाथ में लेके, तो उसके बाद वो बहुत इजी है समझने के लिए। और ये जितनी भी मैकेनिकल चीज़ें हैं ये सब ऐसी ही है, मतलब इनमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ कभी जुड़ी नहीं है। एक बार अगर आप समझ जाओ तो बस बहुत मज़ेदार चीज़ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है, जिसने भी जो भी इन्वेंशन किए हैं उसमें कमाल के इन्वेंशन है बाय गॉड। तो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल भी वैसी एक चीज़ है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई जब हमारे पास ओपन डिफरेंशियल था, जब हमारे पास क्लोज डिफरेंशियल था, तो ये लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल की जरूरत कैसे पड़ी हमें, मतलब क्या दिक्कत आ रही? क्योंकि ओपन डिफरेंशियल में क्या दिक्कत थी कि भाई एक जो टायर हवा में था वो घूम रहा था, दूसरे को वो बिल्कुल भी दे नहीं रहा था, अपने पावर नहीं दे रहा था, तो निकल नहीं रहा था गड्ढों में से जहां पे भी था। क्लोज डिफरेंशियल में हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, हमने एक साथ जोड़ दिया उसको, ठीक है। हाँ, एक प्रॉब्लम क्लोज डिफरेंशियल में ये थी कि जब भी टायर रोटेट होना होता था, टर्न लेना होता था, तो दिक्कत आती थी, लेकिन उसका सॉल्यूशन था ना हमारे पास क्लोज डिफरेंशियल के, भाई जब चाहिए क्लोज डिफरेंशियल ऑन करो वरना डिफरेंशियल ओपन पे रखो, ये हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल था। जब दोनों थे तो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल की क्या जरूरत थी? दोस्तों, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल की जरूरत वहां आन पड़ी जब एक एक नॉर्मल सर्कमस्टेंस समझिए, एक गाड़ी जिसको आपको किसी ड्राइवर को नहीं करना क्लोज ओपन डिफरेंशियल, ऐसा कुछ नहीं करना, वो बस अपने सड़क पे चले जा रहा है। अगर किसी जगह पानी आ गया या किसी जगह एक साइड बर्फ आ गई, एक साइड सड़क रह गई, उस सिचुएशन में वो ड्राइवर को अब मतलब ये है कि भाई मुझे कुछ भी क्लोज ओपन नहीं करना है, मेरी गाड़ी बस चलती रहे, वहां पे लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल जो है वो काम आता है और वो अलाउ नहीं करता है गाड़ी के किसी भी टायर को ज्यादा स्किड करने पर, और एक टायर बिना पावर के रह जाए, ऐसा समझते हैं। लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल को देख के ही समझते हैं कि आखिर ये किस हिसाब से काम करता है। आप तो देखिए, ये है लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, ठीक है। अभी ये लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल में ओपन डिफरेंशियल के हिसाब से दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा दिखेगी आपको। एक तो ये जो केस दिख रहा है, ये जो बाहर का आउटर केस है जिसको खोखा भी कह सकते हैं, ये एक्स्ट्रा दिख रहा है, और ये दो चार लाइनें जो दिख रही है ये भी एक्स्ट्रा दिख रही है। ये क्लच प्लेट्स है, वो क्लच नहीं है ये जो आप गाड़ी में होता है जिसको दबा के गियर चेंज करते हैं, ये दूसरी चीज़ है। और एक जो ये आपको ये दिख रहा है एस शेप्ड, कुछ अजीब से शेप वाला, ये है स्प्रिंग। ये दोनों तरफ धक्का बनाए रखती है, मतलब दोनों तरफ फोर्स लगा के रखती है ताकि ये जो दोनों गियर्स हैं ये हल्का हल्का क्लच प्लेट पर प्रेशर रहे। अब यहाँ पे एक तो ये तो रिंग गियर हो गया जो घूमता है आपके इंजन की पावर से। उसके बाद आप देखो, एक दो तीन चार, चार ये सिल्वर कलर के अलग से गियर्स हैं, आपको अगर किसी और इमेज में दिख पाए प्रॉपरली, जी हाँ इस इमेज में प्रॉपर दिख पाएंगे, एक दो तीन चार, ये चार जो गियर्स हैं, तो वापस इस पर लौटते हैं। अब ये चार गियर्स में क्या है, एक तो इससे जुड़ा हुआ है राइट टायर से, एक जुड़ा हुआ है लेफ्ट वाले से, ठीक है, राइट और लेफ्ट हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद में ये जो है दो है आपस में, ये आपस ये मतलब जैसे ये ज़्यादा घूम रहा है तो ये उसको थोड़ी सी पावर देगा, या ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है तो ये उसको ज़्यादा पावर दे देगा, या ये खुद ज़्यादा घूम रहा है तो उससे थोड़ी पावर विड्रॉ करता है, वो वाला ओपन डिफरेंशियल वाला सीन है, आपको ऑलरेडी मैं ये समझा चुका हूँ। तो कन्फ्यूज़ ना होइए, फिर से लौटते हैं और अब बात करते हैं ओपन डिफरेंशियल और लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल वाले पूरे गैप के हिसाब से कि ये लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल जो है वो क्या काम आ रहा है, कैसे काम कर रहा है। ये रिंग गियर घूमा, सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ पे दोनों टायर्स में प्रॉपर जा रही है, मान लो इस वाले टायर में भी उतनी पावर टॉर्क इसमें भी इतनी पावर टॉर्क। मान लो राइट वाली साइड जो है या लेफ्ट वाली साइड जो है वो उस पर आ गया कहीं कोई पत्थर, वो अटक गई, ठीक है, उस पर ज़्यादा रेजिस्टेंस आ गया, वो कहीं अटक गई, और इधर राइट वाला जो है वो अभी भी फ्रीली घूम रहा है। क्या मान लो राइट वाला जो है हवा में है, ठीक है, अभी वो हवा में है और वो सारी पावर उसके अंदर जा रही है, सारा का सारा वो अकेला ही घूम रहा है, उधर वाला तो रुक गया, जो कि ओपन डिफरेंशियल में होता है। तब क्या होगा लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल में, कि जैसे ये ज़्यादा घूम रहा है पूरा का पूरा, उसके कारण क्या होगा, ये जो गियर है, ये जो गियर्स होते हैं ये जब भी घूमते हैं तो ये डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये इसको घुमा रहा है, जब भी ये इसको घुमाएगा तो इन दोनों में गैप भी क्रिएट होगा, एक एक्सियल फोर्स होगा। अगर ये आपस में एक जगह टाइटली जुड़े हुए नहीं हैं तो एक एक्सियल फोर्स जो है वो काम करता है, और एक्सियल फोर्स जो होता है उसकी वजह से इनमें थोड़ी सी दूरी आ जाएगी,
जब इनमें थोड़ी सी दूरी आती है तो ये क्लच प्लेट जो आप देख रहे हैं ये इंगेज हो जाती है, और ज़्यादा टाइट हो जाती है। और ये कुछ ऐसा है, देखो इस वाली इमेज में ये वाली ये कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे 30 निकले हुए हैं इनके बाहर, ये पूरी क्लच प्लेट्स की रिंग्स है, प्रेशर प्लेट्स जो है, और ये उसमें 30 निकले हुए हैं। तो ये जो 30 वाली चीज़ है ये यहाँ पे प्रॉपरली इंगेज हो जाती है, और ये जो खोखा है इसको घुमाती है, ये खोखा जुड़ा हुआ है दोनों तरफ, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये एंगेज हो जाएगा तो इतनी देर तो ये अकेला व्हील ही पूरा घूम रहा था, अब ये खोखा एंगेज होने के कारण दूसरे वाले में भी पावर जाने लग जाएगी, जो पावर इतनी देर जा नहीं रही पा रही थी वो अब दूसरी तरफ जाने लगेगी, टॉर्क जो है दूसरी तरफ जाने लगेगा। लेकिन क्योंकि ये प्रॉपरली ढंग से चिपक के एंगेज नहीं होता, परमानेंट मतलब ऐसे हार्डली लॉक नहीं होता, इसलिए इतनी ज़्यादा पावर भी इसमें नहीं जाएगी, एक लिमिटेड अमाउंट की ही जाएगी। ओपन डिफरेंशियल से थोड़ी ज़्यादा जाएगी और क्लोज डिफरेंशियल जितनी जाएगी नहीं। क्लोज डिफरेंशियल में तो क्या होता है, दोनों लॉक हो जाते हैं आपस में, ये और ये दोनों लॉक हो जाते हैं, लेकिन यहां पे क्या होगा, लॉक नहीं होगा, बस थोड़ी सी पावर ट्रांस होने लग जाएगी इस क्लच के बेहतर एंगेजमेंट के कारण। इसीलिए लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल जो है कई गाड़ियों में यूज किया जाता है। जैसे कि मैं बात कर रहे थे, अगर मैं कल किसी से डिस्कशन कर रहा था KUV नहीं सॉरी TUV 300 के बारे में। अभी TUV 300 जो है महिंद्रा की, उसमें ये स्पिनिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है, उसमें ओपन डिफरेंशियल है। वहाँ क्या होता है कि एक व्हील जो हवा में गया तो वही घूमता रहता है, दूसरे वाले को बिल्कुल पावर जा नहीं रही होती है। सोल्यूशन उसका लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल हो सकता है। जब भी एक व्हील ज़्यादा घूम रहा है तो ये खोखा जो है इसमें क्लच एंगेज के कारण ये घूमेगा, और दूसरे वाले को भी थोड़ी थोड़ी पावर जो है वो मिलने लग जाएगी, ये उसका सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन उसमें लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल नहीं यूज़ किया गया है, तो अब उसमें अगर किया जाता तो हो जाता, और उसमें MLD भी लगाया जा सकता है, वो मैकेनिकल लॉकल डिफरेंशियल, उस सिचुएशन में वो एकदम वहाँ पे जॉइंट हो जाता, दोनों हार्ड हो जाते और वो गड्ढे से निकल सकती थी। लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल के बेनिफिट कही है, आपको बिल्कुल भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप गाड़ी जहाँ भी चलाओ, पहले नॉर्मली चलती रहती है ओपन डिफरेंशियल की, और जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पे एंगेजमेंट होकर लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल जो है काम करने लग जाता है। अभी प्रॉब्लम और बेनिफिट, बेनिफिट तो मैंने बता दिए, प्रॉब्लम्स क्या है, एक तो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल के इतने ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा उसमें आपके पास चांसेस है चेंजेस करने के, कि जो लोग पढ़ते हैं लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल उनको समझ में बड़ी दिक्कत से आता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने अपने अपने हिसाब से बहुत सारे मॉडिफिकेशन इसमें कर लिए हैं। ऑडी ने तो इस लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल के बेस पे मतलब चार पांच अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल बना दिए। और उसके बाद में एक और दिक्कत लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल के साथ में ये भी है कि मतलब इतना इफेक्टिवली हर कोई इसे इस्तेमाल नहीं कर पाता, जैसे कि सफारी है और एंडेवर है पुरानी वाली, वो जब भी ऑफ रोडिंग के वक्त जाती है तो कई लोगों ने नोटिस किया है कि हालांकि लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल के कारण दूसरी साइड वाले व्हील को पावर टॉर्क हल्का हल्का जाता तो है, लेकिन वो फिर भी उसको गड्ढे से बाहर निकाल पाए, इतना पावर टॉर्क उसमें नहीं जा पाता। ये बात सही है, यहाँ पे बहुत ही कमाल की इंजीनियरिंग चाहिए इन क्लच प्लेट्स में, इन ये जो स्प्रिंग है इसकी कितना दूर एक्सेल फोर्स किस हिसाब से बेटर लगेगा उन सब चीज़ों में, इवन ये केस है वन वे टू वे टाइप्स के होते हैं ये, वो सब चीज़ों में काफ़ी सारी अच्छी खासी इंजीनियरिंग चाहिए होती है, इसीलिए हर कोई उसको इतने बेहतर तरीके से डिजाइन नहीं कर पाता है लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल को। तो जो डिजाइन नहीं कर पाता है वो शिफ्ट हो जाता है MLD या लॉकर डिफरेंशियल लॉकर वगैरह पे, और जो डिजाइन कर लेता है वो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल यूज करने लग जाते हैं। तो बस फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे लगता है आपको इतनी शायद बेहतरीन तरीके से समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं जैसे मैंने ऑलरेडी आपको मैकेनिज्म बता दिया है कि ये चलता है, ये दोनों घूमते हैं, और अगर कहीं रेजिस्टेंस आ जाता है तो एक्सियल फोर्स के कारण इनमें थोड़ा सा गैप आ जाता है, इन दो में, इस वाले गियर में और इस वाले में, यूँ लगे हुए गियर में गैप आ जाता है, और गैप आने के कारण क्लच प्लेट जो है वो एंगेज हो जाती है, और उस वजह से ये खोखा घूम के दूसरी तरफ भी पावर जो है देता है। तो अगर इतना समझ में आ गया और आपको वीडियो देखनी है तो मैं नीचे एक लिंक में एक आपको दूसरी वीडियो की लिंक दे दूंगा जो कि इंग्लिश में है, लेकिन होपफुली आप जब उसके विजुअल्स देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।